जिस प्रजाति के पौधे के पास हम आज खड़े हैं और इसकी फ्रूटिंग आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इस आम का नाम है टॉमी एटकिंस। ये अमेरिका के फ्लोरिडा में पाया जाता है और इस आम में सबसे बड़ी बात है कि ये रेशेदार आम है और एंटी एजिंग और एंटी कैंसर के इसमें भरपूर तत्व होते हैं। ये हाई एंटी ऑक्सीडेंट मैंगो है और आपको जान के आश्चर्य होगा, यूएस के मार्केट में इसकी भारी मात्रा में इसकी मांग होती है। 80% मांग यही आम पूरा करता है। इस आम में सबसे बड़ी बात है, हर साल फलेगा। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही बढ़िया, बेस्ट है, द बेस्ट है। ये करीब 15 से 20 दिन तक इस आम को पकने के बाद रखा जा सकता है, ये आम ख़राब नहीं होता है। ये भंडारण के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसका साइज़ इतना अच्छा होता है कि इसका जो प्रेस्क्राइब्ड साइज है उससे ज़्यादा हम लोग तो 800-800 ग्राम तक का आम मैंने इसका पैदा किया है, टॉमी एटकिंस का सिंगल पीस। ये पीस के रेट में बिकता है हमारा आम। और इसकी आम पब्लिक में और हमारे जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनमें इसकी बड़ी मात्रा की खपत होती है और वहाँ काफ़ी बड़ी इसकी पैदावार का हिस्सा जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि हम ऑर्गेनिक आम पैदा करते हैं, पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। मुख्यतः कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है इन पेस्टिसाइड का स्प्रे, लिहाजा हम इन डासी मक्खी को मारने के लिए स्प्रे के जगह पर हम ये मिथाइल यूजिनाल के ये डब्बे लगा रखे हैं और इसमें गंध होती है, मक्खियाँ इसमें मरी हुई हैं, रोज़ इनकी सफाई हो जाती है, वो इन छेदों से अट्रैक्ट होकर अंदर जाएंगी और ये मर जाती हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे आम बड़े ही सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो आज के सीज़न में बरसात के बाद डासी मक्खी से आम को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है।